देख रहे हैं चार्ट, इसमें कंडीशन पीसी डीसी लीवर इंप्लीमेंट के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट लगाने हैं इसी के बारे में है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर आप चलाते होंगे, तो ट्रैक्टर चलाते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, यही बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो आपको सेटिंग बताएंगे वो बताएंगे डीसी और पीसी लीवर की, आप किस तरीके से डीसी और पीसी लीवर की सेटिंग करें। उसके बाद में थ्री लिंकेज को आप किस तरीके से आप टॉपलिंग को जोड़े वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने जो ट्रैक्टर है उसमें आप इम्प्लीमेंट को किस तरीके से जोड़े जिससे कि आपका ट्रैक्टर कम डीजल खाए और ज़्यादा काम करे, ये सारी सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस काम के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है वो है मैसी, क्योंकि उसमें जो सेंसिंग लिफ्ट होती है वो सबसे बेटर होती है, सबसे बढ़िया सेंसिंग लिफ्ट होती है, क्योंकि उसमें अगर खेत के अंदर गड्ढा भी आ जाता है तो वो नीचे जाके उस गड्ढे की जुताई करके वापस आ जाता है, यानी कि सेंसिंग लिफ्ट नंबर वन है मैसी की और इसी काम के लिए मैसी जाना जाता है। और मैं आपको किसान भाइयों बता दूं कि समतल ज़मीन में भी जो मैसी होता है उसकी सेंसिंग लिफ्ट ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि उसमें जो सेंसर लगा हुआ रहता है वो इंडिया का वर्ल्ड का नंबर वन सेंसिंग लिफ्ट होती है, उसके अंदर सेंसर होता है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं के ट्रैक्टर जो चलाते वक्त हम लोगों को किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, हम आपको बताने वाले, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मार्क वन हाइड्रोलिक्स, मैसी स्मार्ट हाइड्रोलिक्स मिट्टी में मौजूद हर छोटे से छोटे बदलाव को महसूस करता है और न्यूनतम ट्रैक्टर लोड के साथ जुताई में बेहतर और प्रभावी तरीके से उपकरण को नियंत्रित करता है। खेत में चलते समय कंट्रोल वाल्व न्यूट्रल पोजीशन में होता है, इसी कारण से ट्रैक्टर बहुत कम पावर का उपयोग करता है। हाइड्रोलिक ऑयल भी इसी कारण से जल्दी गर्म नहीं होता और ऑयल को आप अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ट्रैक्टर के ईंधन में किफायत और हाइड्रोलिक पंप को लंबी उम्र मिलती है। तीन पॉइंट्स लिंकेज बेहतर तरीके से उपकरण के बाहर को पिछले पहिए पर बांटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये पहियों के फिसलने को कम करते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ती है। तेल में पूरी तरह से डूबा हुआ पंप बेरोक टोक संचालन और लंबी उम्र के लिए। माइक्रो ड्राफ्ट सेटिंग सुविधा चालक को आसानी से गहराई को नियंत्रित करने में सहायता देती है। कंट्रोल बीम के माध्यम से बहुत सारे उपकरण को कुशलता से काम में लाया जा सकता है। टॉप होल का उपयोग हल्के ड्राफ्ट इंप्लीमेंट या 4 से 6 इंच तक की कम गहराई में जुताई करने के लिए होता है। 6 से 12 इंच की गहराई में भारी ड्राफ्ट उपकरणों, कम गहराई के लिए माउंटेड हल या डिस्क हैरो जैसे ओवरहैंगिंग उपकरणों से कार्य करने के लिए मिडिल होल है। यही नहीं, सड़क पर चलते समय इंप्लीमेंट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निचला छेद पावर वेटर जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है जिसमें सेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। इंजन के बंद होने पर भी उपकरण को उठाया जा सकता है। मैसी हाइड्रोलिक की लिफ्ट क्षमता मॉडल अनुसार 1700, 2050 और 2300 किलोग्राम की है। ट्रांसपोर्ट लॉक वॉल्व, भारी हाइड्रोलिक फ्लो का उपयोग लोअर लिंक को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। हाइड्रोलिक ऑयल को डोजर टिपिंग ट्रॉली जैसे उपकरणों में बिना बाधा के लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल वॉल्व, कम पार्ट्स, कम टूट फूट और अधिक उम्र, स्टाइलिश लीवर्स तक आसान पहुंच। बंद ट्रैक्टर में भी उपकरण को उठाने के लिए पीटीओ के ड्रिल छेद में एक पतली रॉड डालें और उपयुक्त ऊंचाई के लिए इसे घुमाएं।
हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर में पोजीशन कंट्रोल उपकरण को खेत में सही ऊंचाई में ले जाने के लिए और उपकरण को गिराने और उठाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर उपकरण की मिट्टी में गहराई के नियंत्रण में सहायता करता है। लीवर क्वाड्रेंट के जितना नीचे रखा जाएगा उपकरण उतनी ही अधिक गहराई लेगा। क्वाड्रेंट प्लेट पर स्टैंप किए गए दो बिंदुओं की सीध में लीवर रखकर शुरू करें। रिस्पांस कंट्रोल उपकरण के गिरने की गति को नियंत्रित करता है। हम जिस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेंगे उसी अनुसार उपकरण जमीन पर गिराने की गति अलग अलग हो सकती है। पोजीशन कंट्रोल लीवर में तेज या धीमी प्रतिक्रिया से इंप्लीमेंट के गिराने की गति नियंत्रित होती है। भारी उपकरणों को धीमी गति से गिराया जाता है ताकि पंप और उपकरण पर दुष्प्रभाव न पड़े। फास्ट तेजी से इंप्लीमेंट गिराने के लिए स्लो धीमी गति से इंप्लीमेंट गिराने के लिए ट्रांसपोर्ट लॉक वाल्व ये सीट के नीचे लगी हुई है। हाइड्रोलिक लिंकेज को लॉक करने के लिए घड़ी की दिशा में घुमाएं और बाहरी हाइड्रोलिक्स का उपयोग करें। ये बाहरी क्षेत्र की ओर तेल प्रवाह करेगा और ऑयल सीधा प्रेशर ट्रॉली की तरफ जाएगा। इसके अलावा रोड पर चलते समय और बंद ट्रैक्टर में उपकरण को उठाकर रखने में सहायक है। चालक के दाहिने हाथ की तरफ बाहरी हाइड्रोलिक का टैपिंग पॉइंट है। इस भाग के अलावा किसी अन्य भाग से टैपिंग नहीं की जानी चाहिए। हाइड्रोलिक थ्री पॉइंट लिंकेज को काम में लेने के लिए घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। लीवर सेटिंग्स रोड पर चलाते समय पीसी लीवर को पूरी तरह से ऊपर और डीसी लीवर को नीचे रखें। सामान्य जुताई और खेती के लिए डीसी लीवर को सेक्टर के निशान पर और पीसी लीवर को फास्ट रिस्पांस पर रखें। उथली खेती के लिए डीसी लीवर सेक्टर निशान पर और पीसी लीवर रिस्पांस सीमा पर हो। स्थिति नियंत्रण पीसी लीवर रिस्पांस प्रतिक्रिया के ऊपर और डीसी लीवर सेक्टर निशान पर या उससे नीचे हो।